बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में अपने ही प्रॉब्लम्स को याद रखते हैं, तो दूसरों का प्रॉब्लम देखते नहीं हैं। और आज मैंने कुछ मुझे सीखने को मिला है कि इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद ये बच्चे इतने खुश हैं, इतने पॉजिटिव हैं, तो इन लोग ने आज मुझे कुछ सिखाया है कि बी पॉजिटिव इन लोग, एंड आई थैंक देम एंड आई एम ग्रेटली ऑनर्ड दैट डॉक्टर बत्रा कॉल्ड मी एंड आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम विद यू सर व्हेनेवर यू नीड। इस तरह के मोमेंट्स बहुत कम होते हैं और वो आज एक ऐसा मोमेंट है जब, क्योंकि मेरे दो छोटे बच्चे हैं, जब शुरू में छोटे बच्चे आए जो ब्लाइंड थे, एंड यू नो यू फील बैड यू नो बिकॉज आई थिंक एक बार कोई माजूर होता है, हाथ नहीं पैर नहीं, फिर भी जिंदगी जी सकते हैं, बट आँखें एक ऐसी चीज़ हैं जो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। एंड आई सॉ दो स्मॉल किड्स एंड आई ऑफकोर्स आई क्राइड, बट देन यू नो सेकेंड थाट आई फेल्ट वेन आई सॉ दिव्या एंड शी जस्ट गेव मी दैट लुक वेन आई वॉज क्राइंग, आई फेल्ट यू नो आई शुड नॉट क्राई एंड मेक दम वीक एंड बिकॉज इट्स अ मोमेंट टू मेक दम प्राउड ऑफ वॉट दे हैव अचीव्ड इन लाइफ एंड I thought I have done a wrong thing crying and I shouldn't have done it. And but again, you know, I'm a mother and you know I have actually it has made me emotionally very weak after having kids. And बुरा लगता है लेकिन बहुत अच्छा लगा देख के इतना साहस है लोगों में। जैसे मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, सारी खुशियाँ होती हैं लाइफ में, फिर भी छोटी छोटी चीज़ के लिए क्रिप करते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ होते हैं, पर कभी नहीं सोचते कि वी आर ब्लेस्ड। हम लोग हर चीज़ जो एक चाहिए होती है ज़िंदगी जीने के लिए वो सारा कुछ है हमारे पास, फिर भी क्रिप करते हैं। तो आज बहुत छोटापन महसूस हुआ मुझे खुद अपने आप के लिए, सो बस इसलिए। बाबा आपकी फैमिली में भी हर कोई आप भी में जुड़े हुए हैं और आज जब ऐसा मोमेंट देखने को मिला आप खुद इमोशनल हुए थे, इमोशनल क्या कहेंगे बत्रा और इनके लिए जो इतना अच्छा मैं बत्रा साहब को यही मैं कहना चाह रहा था कि ये जो काम करते हैं हर साल एक बहुत ही नोबल काम है, बहुत ही ऑनरेबल काम है, और ये जब भी मुझे चाहें मैं हमेशा इनके लिए हाजिर रहूँगा। बिकॉज आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरी फैमिली ये सब कॉजेज से बहुत हमेशा जुड़े हुए थे, और जैसे मेरी माँ, मेरे फादर ने स्पेसिफिक स्कूल ऑफ सोसाइटी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया था, फिर कैंसर फाउंडेशन, नरगिस दत्त कैंसर फाउंडेशन जो अभी तक है, तो एटलीस्ट हमारी फैमिली वी बिलीव इन हेल्पिंग द पीपल एंड डूइंग थिंग्स फॉर सोसाइटी एंड टू जस्ट हेल्प पीपल। हर साल कई सारी सेलिब्रिटीज आती हैं, किस तरीके का एसोसिएशन है आगे के लिए इन सेलिब्रिटीज के साथ? बहुत अच्छा एसोसिएशन रहता है, और कभी भी अगर हमको किसी भी चीज़ की मदद हो या जो हमारे अवॉर्डीज है अगर उनको मदद हो तो हमेशा आगे आके सामने आते हैं, और पहले भी कुछ ना कुछ वो चुपके चाप अपनी तरफ से करते थे, पहला भी ऐसा हुआ है और आगे होता भी रहेगा। आई थिंक हमारी इंडस्ट्री ये सब कॉजेज बहुत सपोर्ट करती है, और यही एक खास बात है अपनी इंडस्ट्री के, हर एक्टर्स या प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स का कि दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड गुड कॉजेज, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड द कंट्री। वी ऑल आर इंडियंस एंड वी आर प्राउड इंडियंस, एंड व्हेनेवर देयर इज अ कैलामिटी द फिल्म इंडस्ट्री गेट्स अलोंग, फिल्म इंडस्ट्री, जैसे कि जब सुनामी का हुआ था तो आई नो इनिशिएटेड द शो यू नो टू कलेक्ट फंड्स एंड प्राइम मिनिस्टर फंड, लेकिन एक चीज़ आपने देखा होगा कि पूरी इंडस्ट्री वहाँ जुड़ी हुई थी, एक ऐसा आर्टिस्ट नहीं था, एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं था जो नहीं वहाँ मौजूद थे, तो वी एज अ इंडस्ट्री ऑलवेज देयर फॉर सोसाइटी। बिल्कुल करूँगा ऐसा रोल अगर आएगा, बिल्कुल करूँगा। साजन में किया ही था, लेकिन अगर आएगा बिल्कुल करूँगा, और मैं इतना कहना चाहता हूँ उसकी जो कमाई होगी पिक्चर की आई विल गिव इट टू दिस कॉज। मैं खुद पर्सनली जाके विश करूँगा, यहाँ क्या करूँगा।